उत्तर प्रदेश को राम राज्य कहने वाले बरेली में लुटेरों के हौसले बुलंद। तमंचे के बल पर दिन दहाड़े कर रहे हैं लूटमार। बरेली के शेरगढ़ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। लुटेरों ने खुलेआम दिन दहाड़े तमंचे के बल पर एक सरापा की दुकान में जमकर लूटपाट कर आसानी से फरार हो गए। दुकानदार व आसपास के लोग दहशत में आ गए। दिन दहाड़े लूटपाट से इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसा लगता है कि पुलिस का खौप लुटेरों के दिलों में बिल्कुल भी नहीं है। जनपद बरेली के थाना शेरगढ़ कस्बे में तमंचे के बल पर सरापा दुकानदार से लुटेरे लाखों का माल लूटकर हो गए फरार। इससे पहले भी शेरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी व लूट की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लुटेरों को तलाश कर रही है। लेकिन देखना होगा, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी वादे करते हैं और राम राज्य बताते हैं, लेकिन उस प्रदेश में बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आखिर शासन प्रशासन कहाँ गया? जिस तरीके की घटना हुई है उससे लोग परेशान हैं। लोगों को डर है कि किसी के साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल भी डर या भय या खौफ नहीं है। सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। लूट हुई है 12:30 बजे, इसमें बदमाशों को आपको जाते हुए देखा था? बदमाश हाथ भागे थे। अच्छा, उन्होंने मेरे पिस्टल दिखाई, दोनों पे कमचे थे। मैं भागा, बोले गोली मार दूंगा, तभी हल्ला काटे मैंने, सब लोग भागे। उनके डाटा वाटा कुछ पहचान नहीं पाए? ना ना पहचान नहीं पाया, आंखें दिखा रही। कितने लोग थे? तीन। एक गाड़ी था, दो अंदर थे। अच्छा, एक ही मोटरसाइकिल से? एक मोटरसाइकिल, तीन लोग थे। आपने कुछ उसमें नंबर प्लेट वगैरह? ना ना कुछ नहीं थी। कुछ नहीं थी? ना ना। आज दिनांक 19 जनवरी 2021 को थाना शेरगढ़ में एक व्यापारी की दुकान पर दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा 2 किलो चांदी लूटने की शिकायत व्यापारी के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में थाना शेरगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आसपास के जो CCTV के फुटेज हैं उसमें दो व्यक्ति फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना के वर्कआउट करने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्रतापूर्ण तरीके से घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम सेवाराम जंदा। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं दिपोली रहता हूँ। क्या मामला हुआ, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ऐसे हुआ कि मैं अपना यहाँ पे हिसाब किताब जोड़ रहा था, देख रहा था, अपने हिसाब किताब देख रहा था नीचे अपने, तो दो लड़के उधर से आए, सिर पे मुंह ढक के आके इनकी इतनी चमक गई, तो तमंचे उनके हाथ में, तो वैसे कर लिख रहे साथ में सीने पे कनपड़ी में रख दिया। अच्छा, तो मैं ये समझा, मुझे शक ये हुई कि यार लड़के मेरे गांव वाले को ऐसे ना मजा मजाक कर रहे हो, तो मैं ये शक सक जब उनमें तमंचा मेरे देखा, तो मैंने सोचा अरे आज तो बदमाश, बोले साहब पता क्या क्या क्या, ये बोले भर भर जल्दी भर जल्दी भर, तो मैं देख रहा था इधर रास्ता चल रही थी, मैंने कोई ऐसा आदमी आज मिले, आवाज बोले आवाज मत माना, शोर मत बचाना, शोर मार देंगे, कनकटी भी मेरा रख दिया, एक ने मेरे सीने में रख दिया, तो जल्दी से सामान जो भरा, बोला 40 ये इसमें क्या कैश हुआ 20 में ये, तो मैंने जब इसमें कनकटी रहा तो मैंने चाबी निकाली, मजबूरी में सामने खोलने की, यार मैंने फिर गोली मार देगा, चाबी लगाई इतने उसे सट पड़ा, जब सट पड़ा तो तुम भजते हुए चलेगा, भजते हुए चलेगा, मैं दुकान के बाहर रहकर मैंने ढेर मारी लोगों से, कहा ये बदमाश साले भाई जब पकड़ लिए मेरी दुकान ले गए लूट गए, तो थोड़े से आगे से गाड़ी से बैठा हुआ था, उसने जब दोनों बैठे वहां पर जाके तो गद स्टार्ट कर गाड़ी चले गई वहां पर। कितना सामान ले गए आपसे? सामान करीब ऐसी 2.5-3 किलो चांदी लगभग ले गए। सोना कितना था? सोना ऐसी 10-12 ग्राम सोना हुआ लगभग, एक डिब्बी थी ऊपर। अच्छा, आप अकेले थे उसमें? ग्राहक भी नहीं थे? यार नहीं, तो मैं अकेले हिसाब के पास अपने देख रहा था। आप किसी पे शक है? ना शक मुझे किसी पे नहीं है। मैंने कितने तमंचे थे असले, कितने थे उनके पास? दो, एक एक तमंचे थे दोनों के हाथ में, दो लोग थे। हाँ, दो लोग थे, दोनों के तमंचे थे, दोनों ने मेरे कंप्यूटर। पुलिस आई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने देखभाल करी अपने, यही सब बोल
उस पांच गली के मतलब क्या कितना नुकसान है बोले, देखते हैं पहचान लिया मैंने, मैं पहचाना तो मैंने नहीं किधर गए, मैंने गए इधर को आगे पता नहीं कहाँ गए। अगर आपके सामने वो चेहरे आए जाए तो